फुकरा इंसान के खिलाफ शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स अब किया जा रहा है उनको साइड लाइन। कहते नहीं है जब मतलब निकल जाता है तो लोगों को दूध में से मक्खी की तरीके मेकर्स निकाल देते। फिलहाल कुछ यही हरकत वो फुकरा इंसान के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कल हमने देखा कि किस तरीके से फुकरा इंसान को लोगों के सामने एक निगेटिव छवि वाला पर्सन बनाया। लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि उसमें बहुत घमंड है अपने फॉलोअर्स का, उसमें बहुत ही ज्यादा एरोगेंस है, बल्कि लोगों के सामने पूरी सच्चाई लाई नहीं गई। वो वीडियोस दिखाए गए जो कि पूरी वीडियोस भी नहीं थी, काफी एडिटेड वीडियोस थे, जी हाँ काफी उसमें कट था, वो वीडियोस दिखाए गए जिसके बाद लोगों ने जज करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं लास्ट वीकेंड के बारे में, लेकिन अब जो आज का वीकेंड के बारे में उसमें नेहा कक्कड़ भी आती है, तो नेहा कक्कड़ यहां पर तीन लोगों की मिमिक्री करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मनीषा रानी की, एल्विश की भी कर रही है और जिया की कर रही है। सोचिए फुकरा इंसान को तभी साइड लाइन कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर रफ्तार आते हैं मायरा शर्मा, उनकी टीम बजाओ के प्रमोशन के लिए आते हैं, तो उस वक्त भी यहाँ पर मायरा सिस्टम यहाँ पर एल्विश की काफी तारीफ करती हुई नजर आती है, उनकी टीम मेंबर भी तारीफ करते हैं मनीषा रानी की, लेकिन उस वक्त यहाँ पर नामो निशान नहीं होता है फुकरा इंसान का, कोई भी फुकरा इंसान के बारे में बात नहीं करता, तो साफ है कि काफी ज्यादा साइड लाइन किया जा रहा है। फिलहाल ये अचानक से साइडलाइन करने का क्या कारण है? शुरुआत से तो फुकरा इंसान है और ये फुकरा इंसान को पसंद कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये फुकरा इंसान के खिलाफ नजर आ रहे हैं और फुकरा इंसान के खिलाफ इतनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? फिलहाल जनता देखिए शो को बहुत अच्छे से देख रही है और उनको पता है कि ये कर क्या रहे, इनकी पॉलिटिक्स चल क्या रही है। यहाँ पर इनका मेन मुद्दा था कि किसी तरीके से फुकरा इंसान और एल्विश ये दोनों एक दूसरे से लड़े, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। बिग बॉस के घर में एल्विश की एंट्री के बाद भाईचारा चालू हो गया और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगी। अब इनका ये है कि एक हफ्ता बचा है उसमें दोनों जम करके लड़े, तो क्या कहना चाहेंगे आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।